नमस्कार मित्रों, मैं एसएन शर्मा साई एक्सलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं भारतीय संविधान में वर्णित तीसरा मौलिक अधिकार जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसका अध्ययन कराने जा रहा हूं। शोषण के विरुद्ध अधिकार में केवल दो अनुच्छेद हैं, एक छोटा सा वीडियो है ये, और जिसमें आपको मैं शोषण के विरुद्ध अधिकार का पूरा अध्ययन कराऊंगा। तो हमारा भारतीय संविधान में वर्णित फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमारा तीसरा अधिकार है जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इस शोषण के विरुद्ध अधिकार में दो अनुच्छेद हैं, एक तो अनुच्छेद 23 और दूसरा अनुच्छेद 24। दोनों का विश्लेषण करता हूं। सर्वप्रथम विश्लेषण करता हूं मैं अनुच्छेद 23 का। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव के क्रय विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है, तो इसके अंतर्गत मानव दुर्व्यापार अर्थात मानव क्रय विक्रय एवं वलात श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। अब हम देखते हैं कि मानव क्रय विक्रय एवं बलात् श्रम दो बिंदु हैं, दोनों पर चर्चा करता हूं। मानव दुर्व्यापार, इस संसार में मानव का क्रय विक्रय वस्तुओं की भांति ही किया जाता था। सर्वप्रथम मानव के क्रय विक्रय की जो परंपरा प्रारंभ हुई वह यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप में हुई। मानव का क्रय विक्रय, मानव का यानी कि नर का ही नहीं, इसके अंतर्गत बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, मनुष्य सभी आते थे। प्रारंभ में यह व्यापार केवल एक वैश्यावृत्ति के लिए प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात जब विश्व में औद्योगिक क्रांति हुई तो बंधुआ मजदूरी के तरह से ही मानव को क्रय करके केवल उसको भोजन प्रदान करके ही अपना समस्त कार्य कराया जाता था। तत्पश्चात इस मानव क्रय विक्रय वैश्यावृत्ति के पश्चात और कामगार के पश्चात दास प्रथा प्रारंभ हुई जो इसी के समरूप थी। सर्वप्रथम सन 1904 में वैश्यावृत्ति के लिए क्रय विक्रय होने वाली स्त्रियों को प्रतिबंधित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय आयोजित हुआ, लेकिन जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ उसके पश्चात, उस युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई तब 1919 में पहली बार एक दास प्रतिबंधित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया, लेकिन इसका भी कोई इतना असर नहीं हुआ। क्रय विक्रय मानव का चलता रहा। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ की 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई, उसके बाद सन 1949 में प्रथम बार एक बृहद स्तर पर विश्वव्यापी दास प्रथा को रोकने के लिए, प्रतिबंधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो काम हुआ वो अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक परिषद ने काम किया, और सन 1990 के बाद पूरे विश्व में इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। जब पूरे विश्व में मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई, विभिन्न देशों में इसकी अलग अलग तिथियों पर स्थापना हुई, भारत में भी 1993 में इसकी स्थापना हुई, गठन हुआ, उसके पश्चात पूरी तरह से ये प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन अब भी कुछ देशों में अवैध तरीके से मानव क्रय विक्रय, मानव अंग क्रय विक्रय एवं स्त्रियों का क्रय विक्रय प्रचलित है, अवैध तरीके से संचालित है।
भारतीय संविधान में संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार मानव क्रय विक्रय को प्रतिबंधित किया और इसको अपराध घोषित किया। इसी के साथ बलात्श्रम का मतलब बल लगा करके श्रम कराना, अर्थात जिसको भारतीय भाषा में बेगारी कहा जाता है। जैसे आप देखते थे कि पहले किसी मजदूर को आप कार्य के लिए लाए तो उसको तय किया आपने 5 बजे तक और उससे आपने बेगार कराई किसी और काम की 6 बजे तक। तो इस प्रकार से बल के आधार पर किसी से कोई कार्य कराने के लिए प्रतिबंधित किया गया अनुच्छेद 23 में। जैसे कि आप देखते हैं कि इस अधिकार का नाम ही है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण किसका? शोषण यहां पर किसका शोषण है? अधिकार किसके लिए है? मनुष्य के लिए। तो मनुष्य का शोषण जिस तरीके से हो सकता है, एक तो व्यापार करके उसको गुलाम दास बना करके तो उसको प्रतिबंधित किया गया, दूसरा उससे बेगारी लेकर के अर्थात बल लगा करके अर्थात उसकी ताकत के बल पर उसको धमका करके बेगारी करा लेना, किसी काम को उससे करा लेना, इसको भी प्रतिबंधित किया गया। तो बलात् का तात्पर्य है बल का प्रयोग अर्थात बेगारी। तो बेगारी कराना या बल का प्रयोग करके किसी से काम कराना बलात्श्रम कहलाता है। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 के अंदर बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। जो बाल श्रम है उस बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। यहां पर बाल श्रम से तात्पर्य है बालक, और यहां पर जो बालक है उसको 14 वर्ष की आयु तक के बालक से 14 वर्ष की आयु तक के बालक से किसी भी प्रकार की कार्य कराने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। आपने कभी किसी इंडस्ट्रियल एरिया का विजिट किया हो तो आपने वहां देखा होगा कि लिखा होता है मुख्य द्वार पर, फैक्ट्री के मेन गेट पर, कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का प्रवेश निषेध है। लिखा होता है कि यहाँ पर बाल श्रम के द्वारा उत्पादन तैयार नहीं कराए जाते हैं। तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यही है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी प्रकार का कार्य यदि आप कराते हैं तो भारतीय संविधान के आधार पर ये प्रतिबंधित है, अपराध है। अब यहां पर एक विशेष बात आपको बताने जा रहा हूं, और वह विशेष बात यह है कि भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 23 है इसके अंतर्गत एक व्यवस्था की गई है कि यदि कभी राज्य सरकार चाहे तो वह सार्वजनिक कार्य के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए, देश के कार्य के लिए अनुच्छेद 23 का उल्लंघन कर सकती है। अर्थात इस अनुच्छेद 23 के उल्लंघन से तात्पर्य है कि यदि राज्य सरकार चाहे तो सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम को लागू कर सकती है। अनिवार्य श्रम को लागू करने का तात्पर्य है कि बल का प्रयोग करके अपने प्रदेश की जनता से सरकार बेगारी यानी कि कार्य ले सकती है, लेकिन किसके उद्देश्य के लिए? सार्वजनिक उद्देश्य के लिए। और यदि सरकार ऐसा करती है तब आप न्यायालय की शरण में इस मौलिक अधिकार की प्राप्ति के लिए नहीं जा सकते। बताया गया था कि आपातकाल की स्थिति में केवल अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को ही समाप्त नहीं किया जा सकता है, बाकी सभी मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है, राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 23 अनुच्छेद 24 इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं समझाया। यदि किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, शैक्षिक समस्या या अथवा कैरियर काउंसलिंग संबंधी समस्या है, तो वह हमसे हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको यदि शैक्षिक समस्या है अथवा कैरियर संबंधी समस्या है, आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, कितने पढ़ लिख लिए और हमारे लिए कौन सा रास्ता उपयुक्त है, क्योंकि ना तो हर नौकरी आपके काबिल है ना आप हर नौकरी के काबिल हैं, तो
कैसे आप अपने आप को पहचाने आईक्यू टेस्ट के लिए, आप हमारे साथ एक्सीलेंट कोचिंग निकट आवासीय का चंदोसी संपर्क कर सकते हैं। मैं आपका आईक्यू टेस्ट करके आपको बता सकता हूं, बताने का प्रयास करता हूं कि आपके लिए कौन सा कार्य, कौन सा पद कार्य और कौन सी योग्यता के आधार पर आपकी क्या क्षमता है, उसके आधार पर कौन सी नौकरी की तैयारी आपको करनी चाहिए अथवा कौन सा व्यवसाय आपको करना चाहिए। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और हमसे फॉर्म से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9758771971, नोट कर लीजिए। ओके।